हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब तो फ्रेंड्स इससे पहले भी मैंने वेलेंटाइन डे के ऊपर जो सिंपल uh, लुक था वो आपके सबके साथ शेयर किया था और आज जो है आज मैंने ग्लैम मेकअप लुक जो है आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ तो बहुत ही इजी है ये भी करने में बस इसमें फ़र्क इतना है कि आपको प्रोडक्ट्स प्रॉपर यूज़ करने पड़ेंगे और बहुत ही अच्छा है आप नाइट पार्टी के लिए इस लुक को कर सकते हो तो वीडियो में आपको मैं आगे दिखाऊंगी शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने इस जो लुक को है वो अचीव किया है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसको लाइक करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अब वीडियो देखते हैं कि मैंने इस ग्लैम मेकअप लुक को किस तरह से क्रिएट किया है तो आप स्पेशल वेलन टाइम डे के लिए इसको नाइट फंक्शन के लिए नाइट पार्टी के लिए अपने स्पेशल वन के लिए ज़रूर कीजिएगा हेलो एवरीवन तो सबसे पहले मैं अपने फ़ेस को मॉइस्चराइज़ करूँगी यहाँ गुड वाइब्स की कोकोनट क्रीम से और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे फ़ेस ऑयल लगा रही हूँ ये भी गुड वाइब्स का रोज हिप फेस ऑयल है तो अगर आपकी मेरी तरह ड्राई स्किन है तो मेकअप करने से पहले प्लीज़ आप अपने जो फ़ेस को है ज़रूर अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करें तो आप गुड वाइब्स के प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं बहुत ही अच्छे हैं और फ्रेंड्स अब प्राइमर के लिए जो मैंने यहाँ पे है स्टे क्विकी का प्राइमर यूज़ किया है अगर आप कुछ अफोर्डेबल रेंज में अच्छा प्राइमर ढूंढ रहे हैं तो आप स्टेक क्वेकर को ट्राई कर सकते हो बहुत ही अच्छा प्राइमर है वो भी अफोर्डेबल रेंज में और फ्रेंड्स उसके बाद जो है मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन ले रही हूँ फिटमी फाउंडेशन का और गुड वाइब्स का ट्वेंटी फोर कैरेट फेशियल ऑयल है तो मेरी ड्राई स्किन है इसीलिए मैं इसको मिक्स करके जो है यूज़ करती हूँ तो अच्छी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी और कंसीलर के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर लिया है ये बहुत ही अफोर्डेबल है और बेस को सेट करूँगी मैं यहाँ पे मे के कॉम्पैक्ट से और अब जो है फ्रेंड्स मैं अपनी आईब्रोज़ फिल कर रही हूँ तो पहले मैं इन्हें ब्रश कर लूँगी अच्छी तरह से और उसके बाद जो है मैं इन्हें फिल करूँगी और मेरे पास यहाँ पे नेक्ट पैलेट है ये बहुत ही अच्छा आई पैलेट है तो इसमें से जो डार्कर शेड है वो मैं अपनी आईब्रोज़ के लिए पिक किया है और अच्छी तरह से फिल कर लूँगी और उसके बाद फ्रेंड्स जो है मैं आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे मेरे पास मॉर्फी पैलेट है इसमें से बहुत ही प्यारा सा ऑरेंज शेड है ये पिक किया है मैंने अपनी क्रीज लाइन के लिए और उसके बाद फ्रेंड्स ब्राउन और ऑरेंज शेड का ही एक शेड मैंने पिक किया है ये मैंने क्रीज लाइन से ऊपर के लिए लगाया और अब जो है फ्रेंड्स मैंने जो शेड लिया है वो बहुत ही प्यारा मजेंटा जैसा शेड है और उसी शेड में मैंने शिमरी शेड अपनी आई के लिए लिया है तो बहुत ही ग्लैम लुक लगता है इस तरह से और फ्रेंड्स जो हमने लास्ट में शेड ट्राई किया था वो मजेंटा वाला वही मैं अपनी लोअर लैश में लगा लूँगी पेंसिल ब्रश की हेल्प से तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एन बाई का जो आईलाइनर है वो लगा रही हूँ तो इस लुक के लिए मैं थोड़ा सा बोल्ड आईलाइनर लगाऊंगी विंग आईलाइनर और देखो इस तरह से और इसी को बाद में थोड़ा सा थिक कर दूँगी और काजल के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एन बाई वे का ही काजल लिया ये बहुत ही अच्छा काजल है अफोर्डेबल रेंज में और आ, मस्कारा के लिए फ़्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो है मेबलिन का हाइपर कर्ल वाटर प्रूफ मस्कारा लिया है तो अपर और लोअर आई दोनों पे अप्लाई कर लूँगी और फ्रेंड्स मैं यहाँ बता रही थी कि मैं आपको दोनों आई मेकअप लुक्रे कम्प्लीट करके बताती हूँ और ब्लशर के लिए फ़्रेंड्स मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक पैलेट में से ये बहुत ही ब्राइट सा शेड पिक किया है तो ब्लशर मैं थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करूँगी क्योंकि हम एक ग्लैम लुक कर रहे हैं वो भी नाटी नाइट फंक्शन के लिए तो पहले फिंगर्स से और बाद में ब्लेंड ब्लेंड कर लूँगी उसके ब्रश की हेल्प से तो सेम उसी पैलेट में से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो है वाइन शेड पिक किया अपने लिप्स के लिए बहुत ही सुंदर शेड है फ्रेंड्स ये और बहुत ही सुंदर लगता है लगने के बाद तो फ्रेंड्स मॉर्फी पैलेट में से ही मैंने जो है रोज़ गोल्ड शिमरी शेड है ये मैंने पिक किया है अपने हाइलाइटर के लिए तो अपने चिक बोन्स और नोज़ पे अच्छी तरह से अपनी हाईलाइट कर लूँगी और साथ ही साथ अपने जो है आई बोन पर भी इसको हाइलाइटर को लगा लूँगी और इनर कॉर्नर्स में भी तो अगर आप नाइट फंक्शन के लिए कर रहे हो तो आप हाइलाइटर और ब्लशर ज़्यादा ही लगाएं तो बहुत सुंदर लगता है और सेट मैं ब्लू के के मेकअप फिक्सर साथ तो तो फ्रेंड्स इस तरह का था आज का कुछ ग्लैम मेकअप लुक और आप इजीली इसको घर पे कर सकते हो अपने स्पेशल वन के साथ आप पार्टी पे जा रहे हो वेलेंटाइन डे के लिए जा रहे हो तो स्पेशल वन के लिए जरूर इस मेकअप लुक को आप कर सकते हो बहुत ही सुंदर लगता है करने के बाद तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरह का लगा आपको ये मेकअप लुक और कुछ और भी डाउट्स हो माइंड में तो आप वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट लुक के साथ आपके साथ मैं ज़रूर मिलूंगी तब तक के लिए बाय बाय